नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज। मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर प्रारंभ हुआ कोविड वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से लगे खेतिया नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज प्रारंभ हुआ कोविड वैक्सीनेशन। जी हां, खेतिया शहर महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा है। आपको बता दें कि यहाँ खेतिया की आबादी का एक हिस्सा महाराष्ट्र में बसा है। यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया में टीकाकरण का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंदनबाई अरविंद बागुल द्वारा किया गया। वहीं टीकाकरण की शुरुआत में पहला टीका आशा कार्यकर्ता श्रीमती सोहिता को पुष्प माला पहनाकर लगाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण का शुभारंभ होने पर आज स्वास्थ्य कर्मी आशा कार्यकर्ता अपनी अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया के टीकाकरण को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई है। पहला टीका लगाने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM श्रीमती कला रावतले ने टीका लगाते हुए प्रसन्नता जाहिर की। खेतिया में वैक्सीनेशन का पहला टीका लगा है। आशा कार्यकर्ता कविता बादल को टीका लगाने से पहले आप क्या महसूस करते थे, ये बताएं। हमें खुशी हुई थी सर, ताकि हमें टीका लगे। टीका लग जाने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? टीका लगने के बाद हमें कुछ नहीं हो रहा, ठीक है सर। और मैसेज देना चाह रहे हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए वो भी ये टीका लगवाने की कोशिश करें। आज से हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया पर वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता जैसे 110 लोगों को आज वैक्सीनेशन होना है, और जिसमें अभी 10 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, और आगे जिन लोगों का मैसेज गए हैं वो लोग आ रहे हैं, तो उन्हें भी वैक्सीनेशन अभी कंटिन्यू किया।